आज की क्लास में हम लोग एक्सरसाइज 5.2 का क्वेश्चन ए सॉल्व करेंगे, लेकिन पहले क्वेश्चन को रीड करेंगे देन क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग अपना क्वेश्चन रीड कर लेते हैं। तो हमारा क्वेश्चन कहता है एन एपी कंसिस्ट ऑफ 50 टर्म्स। एक एपी है और जिसमें 50 टर्म्स कंसिस्ट करती है, यानी जिसमें 50 टर्म्स आती है। ओके, विच थर्ड टर्म इज 12, जिसमें उस एपी की थर्ड टर्म 12 है, एंड द लास्ट टर्म इज 106, और जो लास्ट टर्म है वो 106 है। फाइंड द 29th टर्म, और हमें फाइंड करना है 29th टर्म। ठीक है, तो क्या हम क्या काम करेंगे हम लोग, सबसे पहले हमें क्वेश्चन में जो भी बातें गिवन है वो लिखेंगे, देन फिर क्या फाइंड करना है वो लिखेंगे, देन फिर हम कैसे फाइंड कर सकते हैं उस चीज के बारे में सोचेंगे और लिखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले क्या काम करेंगे, क्या क्या गिवन है, देखो एपी में कंसिस्ट है 50 टर्म्स, मतलब नंबर ऑफ टर्म्स कितनी हो गई 50, और नंबर ऑफ टर्म्स क्या होती है एन, यानी कि 50। Which third term is 12? अब third term कितनी है? A 3 हो गई 12। और last term, last मतलब जहां पे AP खत्म हो रही है, और AP कहां पे खत्म हो रही है 50th terms, यानी 50वीं term में। ठीक है, तो 50वीं term कितनी है 106, यानी कि A 50। वैसे तो last term को A N बोला जाता है, और n हमारा 50 है, इसलिए a 50 हमारी लास्ट टर्म होगी, जिसकी वैल्यू 106 है, और हमें फाइंड करना है 29th टर्म, यानी a 29। ठीक है, अब जो जो गिवन था वो हमने लिख लिया, और जो हमें फाइंड करना है वो भी लिख लिया। अब देखेंगे कि हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो देखो हमारे पास ये वैल्यू और ये वैल्यू है, तो हमें कहीं ना कहीं सिर्फ और सिर्फ इन दोनों ही वैल्यू से हम अपना आंसर फाइंड कर सकते हैं, क्योंकि इसके अलावा हमें और कुछ गिवन ही नहीं है। तो देखते हैं क्या कर सकते हैं। अब ए थ्री का फॉर्मूला जो है वो कुछ इस तरीके का होता है, ए प्लस 2d इक्वल्स टू 12, और ए प्लस 49d इक्वल्स टू 106, और ये 29 होता है हमारा A प्लस 28d। मतलब ये कि अगर हम किसी तरीके से A और D फाइंड कर लें, तो फिर हम A 29 फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, ये बात ध्यान रखनी है आपको। तो हम इन दोनों को सॉल्व करके A और D की वैल्यू फाइंड करते हैं, और A और D की वैल्यू इसमें पुट करते हैं, ताकि A 29 आ जाए। अब कैसे करेंगे वो ध्यान से समझना। इसको कंसीडर कर लेते हैं क्वेश्चन 1, इसको कंसीडर कर लेते हैं क्वेश्चन 2। अब मैंने क्वेश्चन 7 जो था उसमें एलिमिनेशन मेथड करवाया था, ये जो क्वेश्चन 8 है इसमें सॉरी सब्स्टिट्यूशन मेथड करवाया था, इसमें मैं आपको एलिमिनेशन मेथड से करा रहा हूं। ठीक है, तो समझ लेना ध्यान से। तो वैसे लिखने की जरूरत नहीं है, पर लिख देते हैं हम बाय सॉल्विंग by elimination method। ठीक है, और ये कौन से method है, ये वो method है जो हमने linear pair of equations को solve करने के लिए use करे थे ना, और साथ ही हमने किसको solve करा था, ठीक है, cross multiplication method से, elimination method से, substitution method से, तीन method से करे थे, तो उनमें से यही एक method है। okay, तो हम सबसे पहले इस इक्वेशन को लिख लेंगे, a प्लस 49d इक्वल्स टू 106, देन a प्लस 2d इक्वल्स टू 12, देन हम करेंगे सब्ट्रैक्ट द इक्वेशन। ओके, अब a में से a माइनस, प्लस 49d में से 2d माइनस, और 106 में से 12 माइनस।
ये कैंसिल, ये आ गया 47D इक्वल्स टू, इसमें से माइनस कराता हूँ 694, डी रखा 94/47 कैंसिल करा तो डी की वैल्यू आ गई 2। अब इस डी की वैल्यू को हम चाहे तो इक्वेशन 1 में चाहे तो इक्वेशन 2 में किसी में ही पुट कर सकते हैं, तो मैं सेकंड में कर दे रहा हूँ। हम लेकिन ये पुट द वैल्यू ऑफ डी इन इक्वेशन 2, ओके, ए प्लस 2 मल्टीप्लाई 2 इक्वल्स टू 12, ए प्लस 4 इक्वल्स टू 12, 4 उधर सेट कर देंगे तो 12 माइनस 4 ए इक्वल्स टू 8। अब ए की वैल्यू भी आ गई और डी की वैल्यू भी आ गई, अब इन दोनों वैल्यू को हम किस में रखेंगे, हमारा इसमें, ठीक है, तो इसको इक्वेशन हम क्या मान लें, थर्ड। हम लिखेंगे पुट द वैल्यू ऑफ ए एंड डी इन इक्वेशन थर्ड, तो इक्वेशन थर्ड है हमारा 8 + 28 × 2, 8 + 56 = 64, यानी 29th टर्म हो गई 64। तो हमसे जो पूछा गया था वो हमने बता दिया है। तो आज की क्लास में सिर्फ इतना ही, क्लास अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना, नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना, और कोई डाउट रह गया हो तो कमेंट कर देना, ओके।